नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करूंगा आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। और सबसे पहले दोस्तों, आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ये बता देता हूँ कि आज की जो एनालिसिस होगी वो डेली चार्ट पे होगी, और मैं आज आपको एक ओवरऑल पिक्चर जो है बाजार की आपके सामने पेश करना चाहूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि बाजार के लेवल्स क्या हैं और किन लेवल्स पे मार्केट जाके ट्रेड करा सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। तो मैं अपने पॉइंट पे आके सबसे पहले बात करूंगा निफ्टी की। और निफ्टी का यहाँ पे मैं आपके सामने डेली चार्ट दिखा रहा हूँ, और डेली चार्ट पे जैसे कि हमने कोर्सेज में भी हमने बताया हुआ है, और यहाँ से अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे तो एग्जैक्टली आपको देखने को मिलेगा जो बाजार है। अगर निफ्टी की बात करेंगे तो अपने रजिस्टेंस लेवल पर क्या हुआ, कंसॉलिडेट हुआ है। इससे पहले लास्ट फ्राइडे को हमने जो वीडियोज़ बनाई थी तो वहाँ पे जो निफ्टी का प्राइस जो चल रहा था वो 21,700 के आसपास था। हमारा वहाँ पे वो अनुमान था कि बाज़ार जो है 22,200 तक जा सकता है। क्यों जा सकता है? क्योंकि बाज़ार अपने रेजिस्टेंस लेवल पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करा रहा था। बट अगर आप 2 दिन का सेशन देखते हैं, क्योंकि कल भी 150 पॉइंट्स की गिरावट, जो कि 1% के आसपास की गिरावट कल जो देखने को मिली थी, और आज भी बाज़ार जो है ऑलमोस्ट इतनी गैप अप होने के बाद भी फ्लैट ही क्लोज हुआ है। तो ये दोनों जो इंडिकेशंस है जो बाज़ार के लिए काफ़ी मेजर लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों जो बात करेंगे वो ये है कि निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेशन कहाँ पे दिख रही है? निफ्टी की रेजिस्टेंस के ऊपर। और जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेशन मिलती है विद नेगेटिव डाइवर्जेंस, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इवनिंग स्टार पैटर्न भी फॉर्म हुआ है, जिसकी वजह से ये तीनों इंडिकेशंस ये बोल रहे हैं कि मार्केट जो है, अगर निफ्टी का बाजार जो है, निफ्टी का प्राइस जो है, आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में 21,300 तक भी जा सकता है। मैं फिर से दोस्तों अपनी बात दोहराना चाहूँगा, यहाँ पे इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि डबल टॉप बना है रेजिस्टेंस के ऊपर, मार्केट में इवनिंग स्टार पैटर्न बना है, कंसोलिडेशंस हैं। 3 4 दिन से जो बाज़ार चल रहा है, 4 5 दिन से डेली चार्ट के अकॉर्डिंगली काफ़ी कंसोलिडेशंस फेज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरा यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। तो इस बात का इशारा दे रही है कि एक बार निफ्टी जो है 21,300 के आसपास आ सकता है। यहाँ पे दोस्तों इस वीडियो के दौरान मैं आपको कोई भी बाइंग सेलिंग की आपको टिप या राय नहीं दे रहा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बाज़ार का कौन सा लेवल है जो आ सकता है। तीसरी चीज़ दोस्तों, एक चीज़ और है जो नोट करके आप रखिएगा कि आप बैक टेस्ट भी करेंगे तो निफ्टी के हो, चाहे बैंक निफ्टी के चार्ट हो, चाहे किसी स्टॉक्स के चार्ट हो, जब बाज़ार आप खुद देखिए, खुद नोटिस करिए कि कभी भी आपने देखा कि रेजिस्टेंस जब भी ब्रेक होता है तो क्या होता है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। मैं इस बात की ये बात मैं इससे मैं एग्री हूँ। बट जब भी आप देखेंगे कि कंसोलिडेशन होता है विद नेगेटिव डाइवर्जेंस, और यहाँ पे जो ब्रेकडाउन हमें एमएसईडी का भी जो देखने को मिला है, तो वो इस बात को इशारा दे रहा है कि बाज़ार नीचे आ सकता है 21,300 के आसपास। और दूसरा जो लेवल है वो 21,000, यानी कि 21,000 20,980 के आसपास का भी लेवल बनता है। तो ये मेरी एनालिसिस है, जो मेरे 15 साल हुए हैं मार्केट में, वो जो मेरे 15 ईयर्स है फिलहाल अभी निफ्टी के बारे में यही कह रहे हैं। दूसरा, अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में एक जो पैटर्न बनाया, अगर आप देखेंगे तो राइजिंग वेज देखने को मिला है, और राइजिंग वेज का जो ब्रेकडाउन है वो हमें आज उसकी भी कंफर्मेशन मिल गई है। दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, कल का जो लो था बैंक निफ्टी का वो था 47,387 का, जो कि क्रूशल लो था। बट आज के सेशन में क्या बाजार क्या कर रहा था, अपने लो पे बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा था। बट अगर वहाँ से अगर आप चेक करेंगे वॉल्यूम्स पे, तो वॉल्यूम्स काफ़ी लो थे, वॉल्यूम्स थे सेलिंग साइड में, वॉल्यूम्स एकदम से बढ़े हैं। तो 47,387 का जो लो है वो जैसे ही आज ब्रेक हुआ तो वहीं पे 47,156 का लो बना। दूसरा अगर आपको मैं आपको बताना चाहूँगा, तो राइजिंग वेज में जो हाई था, जो हमें देखने को मिला था बैंक निफ्टी में, वो 48,600 के आसपास का था। आज का लो था 47,400, 1200 पॉइंट्स का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला था। और अगर मैं यहाँ से 200 सपोर्ट से 200 पॉइंट्स माइनस करूँ तो टारगेट 46,200 का बनता है। और दोस्तों आपने हमारे पुराने भी काफ़ी वीडियोस देखी हैं, और आपने देखा कि हमारे लेवल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक मीट होते हैं, और 1,000 2,000 पॉइंट अभी बाज़ार के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 47,000 का ऑलरेडी प्राइस चल रहा है। तो 1-1.5% की गिरावट दोस्तों कोई बहुत बड़ी गिरावट होती है, मैं मानता हूँ पहले होती थी, बट आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आम है। तो 1,200 पॉइंट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में नीचे मिल जाएंगे, क्योंकि कंफर्मेशन हमें बार बार इसमें दिखाई दे रही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, मैं फिन निफ्टी के बारे में बोलना चाहूँगा, बट उससे पहले अगर आपने हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक है, उसको जाके आप
फॉलो कर सकते हैं, उसको ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि इसके स्टॉक से रिलेटेड भी और जो भी एनालिसिस हमारी होती है वहाँ पे हम यहाँ पे भेज देते हैं चार्ट के साथ। यहाँ पे हम बाइंग सेलिंग की टिप नहीं देते, बट इस चार्ट के अकॉर्डिंगली आप बाजार को बहुत अच्छी तरीके से रीड कर सकते हैं। तीसरा फिन निफ्टी। फिन निफ्टी में बना है ट्रेंगल पैटर्न। ट्रेंगल पैटर्न के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हुई हैं और यहाँ पे हमें ट्रेंगल का ब्रेकडाउन भी देखने को मिला है, जिसकी वजह से फिन निफ्टी जो है वो 20,976 का लेवल है, जो कि लग रहा है कि बहुत जल्दी आ सकता है, अचीव हो सकता है। वीडियो बनाने का दोस्तों मकसद हमारा ये है, क्योंकि हम डेली चार्ट पे वीडियोस बना रहे हैं, डेली चार्ट मतलब ओवरऑल एनालिसिस कर रहे हैं कि ओवरऑल बाजार क्या लग रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर हम दिखाएंगे आपको, तो 15 मिनट के चार्ट पे ये होगा कि चलो कल 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट मिल गए, बट अगर आपको 50-60 पॉइंट्स लेने हैं, बट उसके लिए आपको एक ओवरऑल ट्रेंड बाजार का फाइंड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि नेगेटिविटी की तरह इशारा दे रहा है। तीसरा दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि हमने एक एक्सिस बैंक के बारे में भी रिकमेंडेशंस दी थी, एक एनालिसिस करी थी, और उसके बाद इसमें थोड़ी सी तेज़ी भी हमें देखने को मिली, बट अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो हमें लग रहा था कि बना है, वो अभी पूरी तरीके से जो क्लोजिंग है इसकी वो रेजिस्टेंस के नीचे हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी तीनों इस तरीके इशारा दे रहे हैं कि बाजार में थोड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। दूसरा दोस्तों, अगर आपको सीखना है ये, तो आप सीखने के लिए हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 8,000 का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वीव थ्योरी, टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। बिगिनर्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है ये कोर्स, और अगर आप बाजार में स्टार्टिंग कर रहे हैं तो भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आप डे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, BTST, STBT करते हैं, लॉन्ग टर्म में भी अगर आप करेंगे तो टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करिए, नहीं तो हमारी ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको पूरी एनालिसिस निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, फिन निफ्टी की करके बता दी है, और आपको लेवल्स आपको दे दिए हैं, बाकी आपको एनालिसिस खुद से करनी है, और आप हमारा पब्लिक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो लाइव मार्केट में क्या अपडेशंस हैं वो हम वहाँ पर देते रहते हैं। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।